तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डूंगरपुर असरवा जो डेमो चल रही है उसके विस्तारीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगातार जो मांगे हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन का लोकार्पण नहीं हुआ है, जिसमें डूंगरपुर से लेकर के असरवा के बीच में तकरीबन 174 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में दो डेमो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक डूंगरपुर से असरवा और दूसरी असरवा से लेकर के हिम्मतनगर के बीच में जो ट्रेन है वो संचालित की जाती है। इन दोनों ही ट्रेनों को आगे विस्तार करने की यहाँ पर जो मांग है वो रखी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जा रहा है, उस पर क्लिक करके आप इससे संबंधित सारी जो डिटेल है और पीडीएफ जो है वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो है वो कॉपीराइट के चलते नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू आप जाकर के पूरा जो आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। जिसे गुजराती आती है उसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया हुआ है, और जिसे नहीं आती है उसके लिए सिर्फ पीडीएफ का जो कटआउट है वो यहाँ पर लगा करके दिया हुआ है। हालांकि जब तक इनॉग्रेशन नहीं होगा तब तक तो ट्रेनों का संचालन थोड़ा सा मुश्किल है, और दीपावली तक का जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ ऐसे अपडेट्स जो हैं वो निकल करके आने वाले हैं, क्योंकि दीपावली में जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, जिसमें कि दोस्तों उदयपुर और सूरत इन दोनों के बीच में ट्रेनों का संचालन जो है करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वाया अहमदाबाद। लेकिन फिर भी देखते हैं कि भारतीय सरकार आखिर क्या डिसीजन लेती है और आखिर कब तक इस रूट का जो लोकार्पण है वो यहाँ पर किया जाता है। इससे संबंधित आगे जो जानकारी है जो भी मिलेगी वो आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलती रहेंगी। हालत और कुछ और अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को वीडियोस में देखने के लिए मिलेंगे, हालांकि उसमें मेरी वॉइस नहीं होगी, आपको लाइव अपडेट जो है वो लोकेशन के साथ में देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए बने रहिए चैनल के साथ में, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना, और अगर चैनल पे आप ऑलरेडी हो, वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।